नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। दिल्ली सरकार ने घर घर योग पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मुहिम का उद्देश्य दिल्ली वासियों को फिट और बीमारियों से दूर रखना है। वहीं इस योगशाला को सफल बनाने के लिए 400 योगा टीचर्स को इस पहल के साथ जोड़ा गया है, जो कि दिल्ली वालों को घर घर जाकर फ्री योग सिखाएंगे। ऐसे में 30 जिला कोऑर्डिनेटर टीम समय समय पर इन शिक्षकों की निगरानी करने के लिए तैयार की गई है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के सभी अस्पतालों को देश के कोने कोने में तारीफ उनकी होती है। हालांकि अब हमारे योग को लेकर पहचान बनी है, ऐसी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि योग क्लासेस जब शुरू होंगी तो लोग कम बीमार होंगे। ऐसे में कई लोग योग सीखना चाहते हैं लेकिन योगा टीचर्स उनको नहीं मिलते हैं, इसके लिए हमने एक मिस्ड कॉल नंबर और वेबसाइट को शुरू किया है। अपने स्वास्थ्य के लिए और मन की शांति के लिए, मेडिटेशन करने के लिए और योगा करने के लिए हम दिल्ली के लोगों को फ्री टीचर दिल्ली सरकार प्रोवाइड करने वाली है। एक नंबर आज जारी किया गया है, 9013585858। इस नंबर पे आप मिस्ड कॉल कीजिए। अगर आपके यहाँ 25 लोग योग करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो, और अगर आपके पास कोई पार्क है आसपास की या कोई जगह है योगा करने के लिए, तो आप इस नंबर पे मिस्ड कॉल कीजिए। हम दिल्ली सरकार आपको फ्री में योगा टीचर प्रोवाइड करेगी। हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोग स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़े, जिसमें योग बहुत मदद करेगा। दिल्ली के अंदर हमने बहुत अच्छे अस्पताल, दवाइयाँ सबका इंतज़ाम किया है, लेकिन हम नहीं चाहते कि लोग बीमार पड़े, तो उसके लिए योग शाला का इंतज़ाम किया गया है। जनवरी के महीने से आज 400 टीचर्स की ट्रेनिंग कर दी गई है। एक क्लास में मान लीजिए 25 लोग हैं तो एक टीचर एक दिन में 2 सेशन देगा, तो लगभग 20,000 दिल्ली के लोग जनवरी के महीने से योगा करना चालू कर देंगे। उधर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव मिला है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्णय के बाद स्कूलों को खोलने का निर्देश जारी करेंगे। शिक्षा विभाग ने 6वीं से लेकर बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर तत्काल खोलने और प्राइमरी से 5वीं कक्षा तक के स्कूल 20 दिसंबर से खोलने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों और डिमोल्यूशन पर लगी रोक के हटाने के लिए कई एजेंसियों ने मौखिक निवेदन भी किया है। उनके लिखित आवेदनों पर 16 दिसंबर को बैठक में विचार किया जाएगा। वहीं गोपाल राय ने बताया कि ट्रकों पर बैन अभी जारी रहेगा। CNG, इलेक्ट्रिक एवं अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रकों की छूट जारी रहेगी। दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान, एंटी ओपन बर्निंग अभियान, पानी का छिड़काव और वाहनों के PUC चेक का अभियान भी आगामी आदेश तक जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर प्रदूषण की स्थिति को लेकर के आज हमने अलग अलग विभागों के साथ ज्वाइंट समीक्षा बैठक की है। पिछले एक सप्ताह का जो ट्रेंड है वो ये दिखा रहा है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण की स्थिति में जो दिवाली के बाद काफ़ी गंभीर हो गई थी उसमें धीरे धीरे सुधार दिख रहा है। अगर हम दिसंबर 1 तारीख से 12 तारीख के आंकड़ों को देखें तो ऑलमोस्ट जो पोल्यूशन का स्तर है वो 250 से 350 के रेंज में अप डाउन होता रहा है। अभी जो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अभी जो सुधार दिख रहा है अगले 14, 15 और 16 तारीख को प्रदूषण में थोड़ा सा बढ़ने का संकेत दिख रहा है दिल्ली के अंदर। तो केजरीवाल सरकार तेजी से COVID-19 मुआवजे के वितरण पर काम कर रही है। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि अब तक 21,235 लोगों को ₹50,000 की अनुग्रह राशि मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि 1,500 आवेदकों को कुछ दिनों में एक मुश्त सहायता मिलेगी और लगभग 2,000 से अनुग्रह राशि लेने से इनकार, 2,000 से ज्यादा लोगों ने अनुग्रह राशि लेने से इनकार कर दिया है। ₹2,500 मासिक पेंशन के लिए 9,000 आवेदनों को मंजूरी मिली है और 7,955 पहले ही हर महीने पैसा प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आवेदकों के लिए दस्तावेजीकरण को आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और SDM टीमों को घर घर जाकर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। जो ₹2,500 की आर्थिक सहायता पेंशन जो बननी थी
जिसमें जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी 25 साल तक 2500 रुपये, और जिनके डिपेंडेंट चले गए उनको 2500 रुपये कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 आर्थिक सहायता योजना के तहत दिए जाने थे, जिसमें सीनियर सिटीजन की 2500 अलग से प्लस 2500 ये, और अगर कोई विडो हो गई तो उनकी 2500 वो थी, 2500 ये वाली अलग से। इस तरह के जो एप्लीकेशंस टोटल आई हैं 12,668 एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से 9,484 केसेस अप्रूव हो चुके हैं, 7,955 को मंथली पेंशन बन चुकी है जो उनके अकाउंट्स में जा रही है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा है कि कल बीजेपी शासित एमसीडी की भालसवा लैंडफिल साइट पर भयंकर आग लगी, जिसके कारण हर तरफ कूड़ा कूड़ा हो गया और धुएं ने लोगों को बुरा हाल कर दिया। पहले भी कई बार आग लग चुकी है, लेकिन बीजेपी शासित एमसीडी कभी एक्शन में नहीं नजर आई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एमसीडी के 15 सालों के शासन में दिल्ली वालों को कूड़ा के 3 बड़े बड़े पहाड़ उपहार में दिए हैं। बीजेपी के कुशासन ने दिल्ली वासियों का सिर शर्म से झुका दिया है। दिल्ली वाले बीजेपी के 15 सालों के कुशासन और भ्रष्टाचार का बदला लेंगे, आगामी एमसीडी चुनाव में उनका सूपड़ा साफ करेंगे। साथियों, पिछले 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन काल ने दिल्ली में 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए हैं। ये दिल्ली वालों को उन्होंने गिफ्ट दिए हैं, 3 कूड़े के पहाड़। साथियों, ये कूड़े का पहाड़ इतना बदसूरत लगता है, इतना गंदा लगता है कि आज दिल्ली वालों के लिए एक तरीके से एक अपमान का विषय है दिल्ली वालों के लिए। लेकिन सोचिए कि जो लोग इस कूड़े के अगल बगल रहते होंगे, 5 किलोमीटर के अंदर जो लोग रहते हैं, उनकी ज़िंदगी पे कैसी गुजरती होगी। जो इनका जो कूड़े का पहाड़ है वहाँ पर आए दिन आग लगता है, कल बहुत ज़्यादा बड़ी आग लग गई जिसके कारण कूड़ा गिर के नीचे फैला, लोग परेशान हुए, लोगों की ज़िंदगी एक तरीके से बड़ी दिक्कत हो रही है। कूड़े जलने से बहुत ज़्यादा धुआं होता है, पोल्यूशन होता है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत परेशान किया है। दिल्ली वालों का सर से झुकने के लिए मजबूर किया है दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी से। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध और भारत के गौरवशाली विजय के 50वें मौके पर तीनों सेनाओं की ओर से राजधानी दिल्ली में बीजेपी पर्व महोत्सव का आयोजन किया गया। साल 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। 3 दिसंबर को शुरू हुई ये लड़ाई आखिरकार 16 दिसंबर तक जा पहुंची और करीब करीब 13 दिनों तक चले इस जंग में भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और करीब करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा। इस जीत का जश्न आज करीब करीब 50 साल हो गए हैं और मनाया जा रहा है। साफ तौर पर आप देखिए किस प्रकार से भारतीय तीनों जो सेना है भारत की, वो एक संयुक्त जो जश्न है वो मना रही है इंडिया गेट पे। किस प्रकार से यहाँ पे जो भारतीय सेना का पारंपरिक बैंड है वो बजाया जा रहा है और यहाँ पे तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जो सेना के तमाम जो अधिकारी आपको दिख रहे होंगे, किस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद इस जंग के बाद ही बांग्लादेश बना था। तो आज देखिए किस प्रकार से 50 साल पूरे होने पर यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1971 की लड़ाई की तमाम वो चीज़ें रखी गई है, प्रदर्शनी लगाई गई है और देखिए किस प्रकार से यहाँ पे पारंपरिक जो उद्घोष है, जो पारंपरिक बैंड होता है सेना का, वो बजाया जा रहा है। चूँकि लगातार भारतीय सेना अपनी जो ताकत है उसका एहसास पाकिस्तान को और अपने दुश्मन देशों को कराती रही है, ऐसे में आज ये जो 50 साल पूरे होने पर जो जीत का जश्न मनाया जा रहा है, देखने में काफ़ी खूबसूरत के साथ साथ अद्भुत भी है। वीर जनरल राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों को करारी शिकस्त दी थी। आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे कि ये वो टैंक्स लगाए गए हैं जिसमें टैंक पाकिस्तान के भी हैं, जिस पे कहीं ना कहीं भारतीय सेना जब सरेंडर करा रही थी पाकिस्तानी सेना को, करीब करीब 93,000 सैनिकों को भारतीय सेना ने उस युद्ध में सरेंडर कराया था। तो जो झुके हुए टैंक के पोजीशन है वो पाकिस्तान के हैं और जहाँ पे
टैंक सेफ पोजीशन में है वो भारत के बताए जा रहे हैं। हम खुद इनसे ही बात करते हैं, ये बताएंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान को शिकस्त दी गई 1971 के जंग में। सर पहले इस टैंक के बारे में बताइए, क्या कुछ इस टैंक को किस प्रकार से सरेंडर? ये यूएस का बना हुआ है और पाकिस्तान ने सन 1971 के दौरान भारत के बरखिलाफ़ जो इस्तेमाल किया था, और ये तकरीबन भारतीय सेना ने इस पैटर्न टैंक को 80 टैंकों को कैप्चर किया था और कई उनके टैंकों को बर्बाद किया गया था। इस पवेलियन के अंदर तीन भागों में दर्शाया गया है। इस टैंक के बारे में अगर हम बात करें, इस टैंक पे लगा जो अगर झंडा देख रहे हैं, तिरंगा देख रहे हैं, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान से तिरंगे को यहाँ पे लगाया, जिसका मतलब ये पाकिस्तानी टैंक है जिसको कहीं ना कहीं सरेंडर कराया था भारतीय सेना ने। हाँ, भारतीय सेना ने इसको जो है वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर इसको सरेंडर कराया था। सेनाओं की ओर से यहाँ इंडिया गेट पे जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देखिए किस प्रकार के यहाँ पे टैंक्स लगे हैं, जो लोग हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि लगातार जिक्र होता था, क्योंकि उस समय की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से करीब करीब 93,000 सैनिकों को सरेंडर कराया था भारतीय सेना ने, ये आप बंदूकें देखिए, आप साफ तौर पे देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि 1937 में पेश किया गया यह हथियार ब्रियो और इन्फ्लेट कंपनियों का समूह प्रयास था। यह अपने वो जो LMG है, जो तमाम जो बंदूकें हैं उसके बारे में भी यहाँ पे ब्रीफ किया गया है, जीत के तौर पे देखा जा रहा है और अब तक उसको महसूस किया जा रहा है, चूंकि यही वो पल है जब 50 साल हो गए हैं और यहाँ पे जीत का जश्न 50 साल होने पे जो स्वर्णिम विजय पर्व है वो भारतीय सेना द्वारा मनाया जा रहा है। ब्रिजेश राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। 1971 की जंग में इस विमान और एक जवान की भी कहानी है, हम खुद जान लेते हैं VN राव साहब से। सर किस प्रकार से जो परमजी वीर चक्र किनको मिला था, इस विमान की क्या कुछ खासियत है, थोड़ा बताइए। अच्छा, ये जो एयरक्राफ्ट है इसको नाट एयरक्राफ्ट बोलता है। सो ऑन 14th December 1971 ये एयरक्राफ्ट, दिस इज ऑफ 18 स्क्वाड्रन का एयरक्राफ्ट विच वॉज ऑन ORP, दैट इज इसको बोलते हैं ऑपरेशन रेडीनेस प्लेटफॉर्म। ये प्रोसीजर है एज पर द ड्रिल, विद इन 2 मिनट्स ऑफ हिम गेटिंग द इंफॉर्मेशन ही नीड्स टू टेक ऑफ। सो ही वॉज ऑन दैट रोल ऑन दिस डे when 6 Sabre aircraft came and undertook bombing of Srinagar airfield. The moment he got this information, flying officer Nirmaljeet Shekhon, who was on ORP duty, took off from the runway when the bombing was going on. Isne he went into aerial engagement. Isko bolta hai, he went into a dogfight, a combat. He went into combat with the 6 Sabre aircraft of Pakistan Air Force. Us dog fight mein, us aerial combat mein, he shot down 2 of the Sabre Pak Air Force. These were the guns which you're seeing there, the cannon guns, 30mm cannon guns, which you're seeing there, these are the ammunition. These were exactly jo hai wo use hua tha us aerial combat engagement mein. In that incident, 2 aircrafts were shot down, and in addition he was also hit by a cannon of the Pakistan Air Force and he died in the aerial crash. For his valiant action, for his brave action, he has been awarded the highest award, that is Paramveer Chakra. He is the only Paramveer Chakra of the Indian Air Force, Nirmal फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत शेखर। राजधानी दिल्ली में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल आम बात हो गई है। अक्सर निगम कर्मचारियों को अपने हक के वेतन के लिए धरने पर बैठना पड़ता है। इस कड़ी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के राजन बाबू TB अस्पताल के कर्मियों ने अपने वेतन को लेकर हड़ताल कर दी। उनका कहना है कि कोरोना योद्धाओं को सम्मान मिलता है पर वेतन नहीं, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अक्सर उन्हें अपने वेतन के लिए हड़ताल पर आना पड़ता है, जिसका असर अस्पताल के मरीजों पर भी अब पड़ने लगा है। वो हमारे निजी क्षेत्र से हैं, यहीं पर ही RBTP सर्विस के निगम पार्षद हैं और मेयर साहब भी हैं। अभी तक वो हमारे पास नहीं आए, हमने संदेशा दिया नहीं है, सुन रहे। अब जो बात आती है कि भाई हमें बोनस नहीं मिल रहा, DA नहीं मिल रहा, दिल्ली सरकार में तो मिल रहा है, केंद्र सरकार में मिल रहा है,
फैक्ट्री में मिल रहा है, दुकान में मिल रहा है, मगर नगर निगम में ये केजरीवाल भ्रष्टाचार सरकार ये हमें तंग कर रही है। हमारी झाड़ू का चुनाव लेके और सफाई कर्मचारियों को तंग किया जा रहा है, और पंजाब में 1100 रुपए महिला को देना जा रहा है। चेन्नई की हमारा बोनस डीए रोक के, हमारा सातवां वेतन हमारा रोका जा रहा है और पंजाब में बांटने जा रहा है। एक महीना सैलरी नहीं मिलता तो क्या हाल होता है, तीन तीन चार चार महीना ही नहीं होता है। हर कर्मचारी उधार खाता है और उसको उधार चुकाना होता है, लोन भी लिया है उसके लोन टाइम पे नहीं देते हैं तो डिफाल्टर हो जाते हैं। 10 रुपये सैकड़ा भी कोई देने के लिए राजी नहीं होता है। तब इसका व्याख्या जितने करे उतना ही कम है, तो खुद समझ सकते हैं कि क्या हाल है। और हमारे लोगों को हड़ताल करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन सरकार इसकी जिम्मेदारी ले, क्योंकि हम भूखे परेशान हैं, कर्जे से परेशान हैं, टाइम पे वेतन नहीं। दिल्ली में शमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी और जाफराबाद रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने छोटे बच्चों के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए CDS बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। संस्था के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर फहीम बेग ने CDS बिपिन रावत और उनके साथियों को अपनी श्रद्धांजलि आखिरी सलाम अर्पित किया। डॉक्टर बेग ने नौनिहालों को देश के वीर सपूत स्वर्गीय बिपिन रावत और उनके तमाम साथियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्वर्गीय रावत एक बहादुर जनरल थे। कारगिल युद्ध से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक में उनकी सूझबूझ और हिम्मत से ही हमने विजय प्राप्त की थी। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा शाही चंगेजी ने भी अपने दुख को प्रकट करते हुए जाहिर करते हुए कहा कि यह सिर्फ सेना या शहीदों के परिवारों का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के परिवारों का नुकसान है। आज हम शमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी और जाफराबाद RWA के ज़रिए और पूरे जमुना पार के कौम और मिल्लत की तरफ से हमारे शहीद मरहूम CDS बिपिन रावत साहब और उनके तमाम साथियों को, जो एक दुर्घटना में हमसे दूर चले गए, आज हम यहाँ पर उन तमाम शहीदों को सलाम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने अपने परिवारों को छोड़कर अपनी जानों की बाजी लगाई। दिल्ली के सिरसपुर गांव में रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी करने के लिए पहुंची महिला ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने महिला को समय रहते बचा लिया। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। महिला ने अपने ही पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि पति से परेशान होकर खुदकुशी करने की कोशिश की। आपको बता दें कि महिला के साथ दो छोटे बच्चे भी मौजूद थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।